खबर फरुखाबाद जनपद से, जहां थाना कमालगंज के ग्राम नसरतपुर के नव निर्वाचित प्रधान के ऊपर छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया, जिसमें 61 वोटों से हारी हुई बीटीसी महिला लगभग 45 वर्ष होने के बाद भी 23 साल के प्रधान के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए यह नहीं सोचा समाज में मेरी कितनी बदनामी होगी। मामले की जांच कर रहे सीओ अजय शर्मा और थाना प्रभारी अजय नारायण सिंह दरोगा संजय सिंह ने जांच कर मामले को फर्जी करार दिया, साथ ही महिला नसरीन बेगम को हिदायत दी ऐसी गलती दोबारा न हो। फरुखाबाद जनपद से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। अच्छा, कहाँ के प्रधान है आप? ग्राम पंचायत नसरतपुर। अच्छा, ये एप्लीकेशन दी गई थी आपके खिलाफ जी छेड़छाड़ का, ये क्या मामला था? ये एप्लीकेशन जो है वो चुनावी रंजिश को देखते हुए दी गई थी जी। तो इसमें क्या मामला है? ये नसरीन बेगम जो है बीडीसी का चुनाव जो है 61 वोटों से हार गई थी जी। तो वो काफ़ी समय से अपने औरतों के बीच बैठ बातें करती रहती थी कि हमें चुनाव हराने वाले सिर्फ नूर आलम जी, और वही साजिश जो है लोगों ने भर भर के पूर्व प्रधान की साजिश की पूरी। पूर्व प्रधान ने आज जाकर इस तरीके के मामला किया, लेकिन जो सच होता है वही सच होता है। अच्छा, पुलिस ने इसकी जांच की तो उसमें क्या निकला? पुलिस ने जांच की, पूरी तरीके से फर्जी निकला मामला। सीओ साहब और हल्का इंचार्ज पूरी तरीके से मतलब बेबुनियाद था ना ये? बेबुनियाद था जी जी। समाचार चैनल पर 23 मई 2021 को समाचार में संज्ञान में आया कि नसरीन बेगम पत्नी बजाउद्दीन ग्राम नसरतपुर ने वर्तमान जीते हुए प्रधान नीर आलम के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने रात में घुसकर उनके साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की है। तत्काल इस घटना को संज्ञान में लेकर के जांच की गई, जांच से ये घटना पूरी तरह से झूठ साबित हुई है। इसके विषय में उनके माता पिता से भी पूछताछ की गई, जिन्होंने भी इस घटना का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है। इस घटना का कारण इनके स्वयं भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीडीसी की प्रत्याशी थी और ये चुनाव में हार गई हैं, जिसके कारण इनके द्वारा यह आरोप लगाया गया।